अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप यानी कि आमरियत के बारे में। डिक्टेटरशिप आमरियत जमहूरियत का मुतजाद है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब देखते हैं जो सबसे पहले डिक्टेटरशिप के मफहूम की तरफ आते हैं। आमरियत ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसमें रियासत के तमाम इख्तियारात एक फ़र्द के हाथ में हों, वो हर किस्म के आइनी और कानूनी लिहाज से अपने आप को उसका सरचश्मा समझे और बुलंद बरतर समझे और किसी के सामने जवाब देना हो। डिक्टेटरशिप का माखज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डिक्टेटर से है और इसके मानी है मतलिकुलनान हुकूमत। आमरियत की तारीफ यूं की जा सकती है, ये एक शख्स या ग्रोह का मतलिक मुख्तलिक इकतदार है जिसके लिए रियाया या महकूम की तायद की कोई ज़रूरत नहीं होती। आमरियत की इकसाम में देखते हैं, सबसे पहले कौमी आमरियत आ जाएगी। देखें बाज़ दफ़ा कुछ अकवाम अपनी खुशी से अपने पॉपुलर लीडर्स को ये इख्तियार सौंप देते हैं कि वो उनके ऊपर हुकूमत करें, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकंड वर्ल्ड वार के तक जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, मिस्र में जमाल अब्दुल नासर और इंडोनेशिया में सुकार्नो की आमरियतें हैं। दूसरी हुकूमत है डिक्टेटरशिप है फौजी आमरियत, ये कुव्वत के बल पर कायम की जाती है। ऐसी आमरियत हमेशा फौजी लीडर या फौज की पुष्ट बनाई की बेस पे ही कायम होती है और हमेशा डिक्टेटर जो है वो फौज के साथ रिलेटेड रहता है। और आजदी दौर में कम्युनिज्म के को छोड़कर बाकी जहां भी फौज की हुकूमत होगी उसको हम फौजी या मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहेंगे। तीसरी है फैशिज्म, जिसको कहते हैं हम उर्दू में फस्ताई आमरियत कहेंगे। ये एक इस डिक्टेटरशिप की वो किस्म है जिस जो कि हमेशा रियासत को मजबूत बनाने का नारा लगा के प्रोपेगेंडा करके मैदान में आती है और इसमें वो रियासत को या नेशनैलिटी को नेशन को एक एक तरह से कह लें कि देवता का या खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। इस इदारे को इतना मुकद्दस बना दिया जाता है, इस तरह से डिक्टेटर्स जो हैं अपनी लेजिटिमेसी लेने की कोशिश करते हैं ताकि अवाम उनके नाजायज़ अंदाज में इख्तियारात हासिल करने के प्रोसेस को क्वेश्चन ना कर सकें। तो फैशिज्म के तहत आने वाली हुकूमतें भी उनमें आप एग्जैक्टली जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रही थी, जर्मनी और इटली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान के एरिया अरसा में जो हुकूमतें कायम हुई वो फैशिस्ट गवर्नमेंट्स ही थी, फैशिस्ट डिक्टेटरशिप ही थी। चौथे नंबर पर देखें, कई बार कोई डिक्टेटर या कोई मखसूस डिक्टेटरशिप से रिलेटेड डिक्टेटरशिप का माइंडसेट और पूरा लाहे अमल रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है और वो इस लिहाज से इकतदार को अपने हाथ में समेट ले कि वो चाहे कि हम आवाम के सिर्फ इक्तसादी मसाइल को हल करना चाहते हैं, रोज़गार से मुतलका मसाइल को हल करना चाहते हैं। ये जमात पॉलिटिकल पार्टी होगी हमेशा, बल्कि सिर्फ पार्टी कहना चाहिए इनको, इक्तसादी खुशहाली का नारा लगाती है। आमरियत की ये किस्म अक्सर सोशलिस्ट स्टेट्स में रशिया, चाइना, योगोस्लावा वगैरह में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप, खसूसियात क्या हैं, वो आमरियत की क्या बातें हैं जो खसूसियात मखसूस खास से है, जिसको ख़ास बनाती हैं, जिसको डिफरेंट बनाती हैं बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, बाकी तर्ज हुकूमत से। सबसे पहले देखें ये फ़र्द वाहिद की हुकूमत है, इक्तदार एक फ़र्द के पास होगा, मरकज़ियत की तरफ रुझान होगा और आमर की शख्सियत को ज़्यादा उजागर और मुकद्दस बनाकर पेश करने की कोशिश की जाएगी। समटाइम्स यही कुलिया जो है आमर या डिक्टेटर रियासत के ऊपर भी अप्लाई करता है और रियासत को मुकद्दस तरीन इदारा के तौर पर प्रोपेगेट किया जाता है ताकि किसी भी तरह से आमर की डिक्टेटर की लेजिटिमेसी को चैलेंज ना किया जा सके। फिर देखें इसमें हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, एक ही पार्टी होगी और वो ही हुकूमत करेगी और बाकी अपने आमर अपनी बनाई हुई जमात के को तो काम करने की इजाज़त देगा लेकिन अपने से मुखालिफ राय रखने वाली सारी पार्टीज़ को खिलाफ कानून करार दे दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपने तीसरे पॉइंट को अच्छे से समझा है तो आप आइडिया कर लेंगे कि इसमें किसी किस्म की सोशल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट डिक्टेटरशिप में मौजूद नहीं होता। हर किस्म की शहरी आज़ादी डिक्टेटर के
हाथ में है वो चाहे जिस हद तक चाहे आवाम को दे सकता है। 5 नंबर पे देखें इख्तियारात का इर्तिकाज़। मरकजियत का रुझान ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक शख्स की हुकूमत है, वो शख्स फोर्स के ज़रिए हुकूमत कर रहा है या एक मखसूस पार्टी है, तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएंगे और वो मुकन्ना और अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगी और किसी भी सूरत में तकसीम इख्तियारात का नज़रिया के तीनों रियासत के हुकूमत के इदार शोबे मुकन्ना इंतज़ामिया अदलिया अलग अलग अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें, इसको नज़रिया तकसीम इख्तियारात कहते हैं। ये इस नज़रिया पर डिक्टेटरशिप पे अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि डिक्टेटर हमेशा अपनी कैबिनेट अपनी इंतज़ामिया की सुनेगा और उसके ज़रिए मुकन्ना और अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। फिर देखें डिक्टेटरशिप में बहुत नॉर्मली आम तौर पे ऐसा ही होता है कि डिक्टेटर्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मजीद लैंड ओनिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उसको वसी रखने के नज़रियात अमूमन रखते होते हैं और इसी तरह का प्रोपेगेंडा भी करते हैं और मुल्की हदूद में तोसी करना उनका बहुत अहम टारगेट होता है और कोई ना कोई महाज इसलिए वो कहीं ना कहीं खोले रखते हैं और कोशिश करते हैं इसके लिए वो नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफादात नाम की टर्म को अपने हक में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। हिटलर का जो वज़ीर था वो बल्कि कहा करता था कि झूठ इतना मतवातर बोलो कि लोग उसे सुन सुनकर इस प्रोपेगेंडा को सुन सुनकर उसको दुरुस्त तस्लीम करना शुरू कर दें। इतना प्रोपेगेंडा किया जाए रियासत की तकदीस का, डिक्टेटर की तकदीस का, उसको इस हद तक मुकद्दस बना दिया जाए कि आवाम क्वेश्चन ही ना करें। फिर मोमन डिक्टेटरशिप में खुफिया पुलिस ज़रूर कायम की जाती है मिलिट्री के ज़रिए या सिविलियन भी खुफिया पुलिस के महकमे काम किए जाते हैं जो अपनी मुखालिफ राय रखने वाले अफराद को मुखालिफ पार्टीज़ वगैरह बनाने के लिए हर तरह की तलाशी लेने और गिरफ्तार करने मुकदमे चलाने और सजा देने के इख्तियारात रखते हों। अमन पसंदी की ऑब्वियसली ये मुखालिफ हुकूमत होती है क्योंकि उसे अपनी लेजिटिमेसी के लिए और आवाम को किसी न किसी जगह आवाम की को इंगेज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई महाज खोला जाया करता है, हमेशा खोला जाता है डिक्टेटरशिप में। नेक्स्ट देखें आमरियत डिक्टेटरशिप की कुछ मेरिट्स उसकी कुछ खूबियां बताई गई हैं। सबसे पहले ये मज़बूत हुकूमत होती है क्योंकि एक फ़र्द हुकूमत कर रहा होता है तो इस्तेहकाम की चांसेस ज़्यादा हैं, फैसले इसी वजह से फौरी किए जा सकते हैं और क्योंकि फ़ैसले फौरी किए जा सकते हैं तो हंगामी हालात के लिए ये बेहतर रह जाती है। पॉलिसी अमूमन एक जैसी रहती है क्योंकि जल्दी डिक्टेटर अपनी किसी भी सूरत में कुर्सी को छोड़ने इक्तदार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, नेशनल यूनिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है और अमूमन दिफा भी मजबूत बनाया जाता है क्योंकि दिफाई और मुल्क का एक बहुत बड़ा आपके कौमी ख़जाने का बहुत बड़ा हिस्सा बजट का जो है वो दिफा पर खर्च होता है। आमरियत की खामियां देख लें, डिमेरिट्स देख लें, जबर व तशद्दुद है सबसे पहले, मुल्क में खौफ व हरास पैदा किया जाता है, आम दुश्मन होते हैं डिक्टेटर्स अमूमन तो सी पसंदाना अज़ाइम रखने की वजह से क्योंकि ये अवाम की हुकूमत नहीं है, कोई अवामी इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम के साथ इंगेज नहीं होते हैं, इसलिए हर वक्त बगावतों और इनकलाब का ख़तरा रहता है और इसी वजह से इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी शामिल है और अवाम को क्योंकि शख्सी आज़ादी नहीं हासिल होती इस वजह से तरक्की और आवाम की बेहतर सलाहियतों पर आहिस्ता 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 ताले पड़ते जाते हैं। ये गैर जिम्मेदार हुकूमत है क्योंकि इलेक्टेड हुकूमत नहीं होती, आवाम मुंतखिब नहीं करते, इसलिए वो जमहूरियत के ऑपोजिट अपने आप को आवाम के सामने जवाबदेह नहीं तसव्वुर करते डिक्टेटर्स। नेक्स्ट देखें इसमें अवाम प्रोपेगेंडा के ज़रिए मसनू इतिहाद पैदा किया जाता है, जैसे ही डिक्टेटर की गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ती है तो अवाम में पब्लिक में सोसाइटी में फिर से इंतशार पैदा हो जाता है और डिक्टेटरशिप की एक बहुत बड़ी खामी ये है कि ये हमेशा शख्सियत परस्ती के गिर्द घूमेगी। हर आपका सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पे डिक्टेटर को हर हालत में सबसे बुलंदोबाला आइन और कानून से भी बुलंदोबाला शख्सियत के तौर पर मुकद्दस शख्सियत के तौर पर सामने लाएगा और अमूमन इसी अमूमन नेशनलिज्म के पर्दे में नेशनल इंटरेस्ट के पर्दे में और रियासत के साथ मोहब्बत के पर्दे में डिक्टेटर
हमें हमेशा अपनी शख्सियत को के मफादात को और अपने मफादात को मद्देनज़र रख रहा होता है और इसी को प्रोपेगेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये थे आपका आज का लेक्चर ये डिक्टेटरशिप के बारे में। आई होप आपने इसको अच्छे से रीड करना है आपने इस लेक्चर को, और आपको मैं एक होम टास्क दे रही हूँ और वो आपका होम टास्क ये है कि आपने डिक्टेटरशिप की खसूसियात पे एक नोट लिखना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वहदानी और वफाकी तर्ज हुकूमत पढ़ेंगे।